हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 देख रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। ओके, क्यूबिकल बॉक्स जिसकी एज 10 सेंटीमीटर है एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज, देखो एक क्यूबिकल है एक क्यूबॉइडल है, ठीक है, मीन्स एक क्यूब है एक क्यूबॉइड है। जिस क्यूब की एज 10 सेंटीमीटर है, क्यूबॉइड की 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई, आपको इसकी डायमेंशंस दी हुई है। आपसे कहता है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, एंड द सेकेंड वन इट सेज विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो ओके, तो अब देखना पूछ क्या रहा है। नॉर्मल सी बात कर रहा है कि एक बार क्यूब का सरफेस एरिया निकालो, TSA और CSA लेटरल, और एक बार क्यूबॉइड का निकालो और दोनों को कंपेयर करो कि किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ठीक है, किसका एरिया ज़्यादा है और किसका कितना एरिया ज़्यादा है बाय हाउ मच। तो पहले काम करते हैं, ठीक है, एज ऑफ क्यूब ये दिया आपको 10 सेंटीमीटर, तो एक बार इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें, एरिया क्यूब का कितना होगा, 4 × 10² इट मीन्स 10² 100 फुट जा 400। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया निकाल लें इसका, ये होगा 6 × 10² मीन्स 600, ठीक है। ओके, ऐसे ही जो डायमेंशंस हैं क्यूब की, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ये दिया आपको 12.5 सेंटीमीटर, ऐसी ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ये है 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ये है 8 सेंटीमीटर। इतनी बातें आपको पता है। अब इसका भी आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × L + B × H, तो 2 × L + B, L यानी कि 12.5 प्लस ब्रेथ यानी कि 10 इंटू एच हाइट यानी कि 8, 12.5 प्लस 10 ऑब्वियस है 22.5 इंटू 8, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो 22 × 4 = 44, 5 × 10 इट मीन्स 1.0 हो जाएगा 45 × 8, तो जाएगा आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, तो ऐसे ही एक बार इसका TSA भी निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड तो होता है 2 LB + BH + HL, 2 LB, LB मतलब क्या होता है भाई, 12.5 × 10 हो जाएगा, प्लस BH यानी कि 10 × 8, प्लस HL यानी कि 12.5 × 8, तो 12.5 × 10 125, 10 × 8 = 80, 12.5 × 8, ओके, यानी कि 12 × 8 = 96, 5 × 8 = 40, 100 हो जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, तो 225 + 100 = 225, यानी कि 8305, तो ये हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए, अब ये काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि कंपेयर करना है कि लेटरल सरफेस एरिया क्यूब में और लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड में किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया क्यूब का और क्यूबॉइड का किसका कम है और कितना कम है, तो ये कंपैरिजन आप लोग खुद ही करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहता है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेंस इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। तो जो ग्रीन हाउस बनने वाला है, ठीक है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेंस, ठीक है, ग्लास पेंस की हेल्प से,
वो ऑब्जेक्शन को जो असेंबल किया जाएगा वो कैसे असेंबल कर रहे हैं, टेप की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ग्लास पेन्स हैं या फिर जो ग्रीन हाउस है उसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है वो आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो ऑब्वियस है लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, तो ऑब्वियस है वो क्यूबॉइड ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। ऐसे आप लिख लेंगे ब्रेड्थ ऑफ ग्रीन हाउस दैट इज 25 सेंटीमीटर, एंड विड्थ या हाइट वट एवर यू कैन वॉन्ट टू से इज 25 सेंटीमीटर। अब समझो ग्रीन हाउस आप बना रहे हो तो पूरा ही बना रहे हो ना, तो ऊपर से उखला तो नहीं बना रहे हैं, वो तो बंद ही रहेगा, ठीक है, ग्रीन हाउस है तो इसका मतलब आप पूरा ही एरिया कवर करोगे। तो जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द ग्लास, एरिया ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो 2 LB यानी कि 30 × 25 + 25 × 25 + 25 × 30, 25 × 3 = 750, 25 × 25 = 625, 25 × 3 = 750 अगेन। तो 2 समझो, 750 + 750 1500, 1500 में 600 ऐड करोगे 2100 तो हो जाएगा 2125। तो 2000 × 4000, 100 × 200, 25 × 50, तो ये हो जाएगा आपका 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब आप, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ तो ये कहता है हाउ मच टैप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब आप 12 एजेस में टैप लगा रहे हो, ठीक है, टैप आप यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ करोगे वो भी देखना है। ऑब्वियस है आपके रूम में, अगर आप अपने रूम को देखो तो हर एक लेंथ, हर एक जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स आ रही है, हर एक लेंथ 4 टाइम्स आ रही है, यानी कि 4 लेंथ 4 ब्रेड्थ 4 हाइट। तो टोटल टेप क्या हो गया, 4 × L + B + H, क्योंकि हर एक लेंथ जो है 4 टाइम्स आ रही है, यानी 4L 4B 4H। तो ऐड कर देंगे L कितना, 30 + 25 + 25, तो 4 25 25 100 50, 50 + 30 80, 8 4 जा 32, 320 सेंटीमीटर पूरा हमको लगेगा क्या, जो टेप है, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, ओके फ्रेंड्स।